Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने आजम खान को लेकर एक बार फिर बयानबाजी की है। साध्वी प्राची ने आजम खान की तबीयत खराब होने पर उन्हें भगवान राम का नाम लेने की सलाह दी है। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने लखीमपुर खीरी पहुंची साध्वी प्राची ने आजम खान की तबीयत खराब होने पर ठीक होने के लिए कहा कि आजम खान भगवान राम का नाम ले, वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबकी नैया पार करते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लखीमपुर खीरी पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि आजम खान की तबीयत खराब है तो डॉक्टर इलाज करें, उनका अल्लाह उनको बचाएगा या फिर राम का नाम ले लें, वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबकी नैया पार करती है, आजम खान स्वस्थ हो जाएंगे। बात करें तो बीते जुलाई 13 जुलाई को मेदांता हॉस्पिटल ने उन्हें स्वस्थ बताते हुए डिस्चार्ज कर दिया और एक बार फिर उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद एक बार फिर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 72 वर्षीय आजम खान अभी उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आजम खान कई बार रामपुर से विधायक भी चुने गए हैं। आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में होती है, जिनकी कद पार्टी में काफ़ी ऊंचा रहा है। वहीं बात करें तो आजम खान को सीतापुर जेल से जब मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो मानसून संसद सत्र को छोड़कर अखिलेश यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से मिलने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गए और उनके इलाज के लिए जो भी चीज़ें मुहैया कराई जाए उसके लिए अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट भी किया था। खैर, साध्वी प्राची का आजम खान को लेकर ये बयान कितना सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.